अस्सलाम वालेकुम अप्पू भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहु। हाँ अप्पू भाई, वो आपका फोन आया था तो जुमा पढ़ने के बाद एजेंट से मुसलमान ही था तो वहाँ पे चला गया था। तो अच्छा अच्छा जी, आपका फोन आया था ना जुमे से पहले। हाँ तो मैं किया था भाई, वो आपका ना एक वीडियो भेजा था कल, वो क्या टीटीएस है ना वो। आप कौन बोल रहे हैं थोड़ा बताएंगे? असगर भाई। असगर भाई, अच्छा अच्छा हाँ बताइए। हाँ तो क्या हुआ कि वो आपका वीडियो भेजे ना तो उससे फोटो लगाया था ना कुत्ते का, सुनो पूरी बात। हाँ सबको भाई, तो क्या हुआ कि वो वीडियो में ना आपको एड्रेस बार बार पूछ रहा था कि मैं आने वाला आने वाला। हाँ तो आप बोले कि भाई मैं एड्रेस दे रहा हूँ, पूरी चौकी कहाँ मिल रहा हूँ ये सब। हाँ तो उससे उसके पास मैं अभी फोन लगाया था आपसे बात करने से पहले। तो मैं उससे बोला तो भाई अगर आपको वीडियो में फोटो लगाना ही था तो अब तो भाई का लगा देते हैं, आला हजरत का क्यों लगाते हैं। बस भाई वो तो एकदम चिढ़ गया। हाँ मैं बोला भाई जो फोटो लगाना था तो अब तो भाई का लगा देते, जिससे तुमको दुश्मनी है। सही बात है। अब तुम वहाँ आला हजरत का फोटो लगाते इससे क्या मतलब दुख लगा। आला हजरत का ही फोटो है ना, और कुत्ते का फोटो लगा तो आला हजरत ही हो ना। सही बात है। हाँ भाई बहुत बुरा चिढ़ गया वो। तो मैं इसीलिए अपनी फोटोज को मेरे भाई सोशल मीडिया पर मैं डालता नहीं हूँ, और बहुत सारे भाई हमसे मांगते भी हैं कि भाई आपको देखना है फोटो अपनी, मतलब भेज दीजिए। तो मैं उनसे बोल देता हूँ भाई आमने सामने आके आराम से मिल लो, साथ में बैठ के बात कर लेंगे। लेकिन फोटो तो भाई इसलिए नहीं, मतलब कोई को देते है ना गलती से, इधर मेरे भाई शेयर हो जाए तो हालांकि मेरा कुछ मतलब भाई कर नहीं पाएंगे, लेकिन ये है ना फोटो को मेरे भाई एडिट कर देंगे उसको, जानवर कुत्ता बिल्ली सुअर गधा पता नहीं क्या क्या बना देंगे, तो इसलिए फोटो मैं अपनी आवाम में डालता नहीं। तो भाई दिल में बात कर रहा था मैं। और जो ये शिबू टीटीएस है ये बेचारा जब से 5 लाख रुपए एकदम हार गया है ना मुनादरे में हमसे, तब से बेचारा पागल हो गया है, इसको सदमा लग गया है, इसको नींद में भी अफू खान अफू खान अफू खान ही इसके नींद में आते हैं, खाबों में भी देखता है। मैम उसको कोई मालूम नहीं, मैं कल मैं उसको बोला अल्लाह उसको सब कुछ सुनता है ना जो हम लोग बात कर रहे हैं। तो बार बार बोला अल्लाह क्या चीज सुन रहा है क्या सुन रहा है, इतना गुस्सा लग रहा था वो भाई कि क्या बोल। मैं तो कहीं बात नहीं करता हूँ जल्दी, और मैं वो आदमी ऐसा बात करता था ना ऐसा लगता था क्या ये लोग क्या सीखते हैं क्या नहीं सीखते, समझ में नहीं आ रहा है। और वो एक वीडियो आज आपका और सुना था जो लड़का था वो गाड़ी पे गाड़ी देते जा रहा था, गाड़ी पे गाड़ी देते जा रहा था नबी वाला, छोटा सा बच्चा था शायद। हाँ मदरसे में पढ़ता है। बार बार ग्रुप में हमको ऐड कर रहा था, उसमें सब वही उसके वो जो क्या बोलते मदरसे के जो आलिम लोग थे उस्ताद लोग थे और जो बाकी जो बच्चे थे वो सब लोग मार, अबे अफू तेरे काट डालेंगे फाट डालेंगे मार डालेंगे ये कर देंगे। तो मैंने डायरेक्ट फोन किया, मैंने कहा भाई ऐसा है जो बात करना है मेरे पास डायरेक्ट फोन पे करो, तो फोन काट के भागने लगा। ठीक है अच्छा भाई एक मिनट एक मिनट। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। और आपको कौन बोल रहा है? जी जी बताइए, सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, कैसे हैं आप? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अरे कौन परेशान कर रहा है भाई आपको? अरे वही अब्दुल्ला भाई जो थे। हाँ ये क्या है, ये है एक्चुअली मेरा दोस्त ही है ये। हाँ मैं इसको 2 साल से करीब करीब समझा रहा हूँ लेकिन इसको अभी भी नहीं समझ में आ रहा। हाँ तो खाली समझाना अपना काम है, समझा के उसको छोड़ दीजिए दावत देके, बाकी मानना या ना मानना वो उसकी मर्जी है, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। सही बात है। हाँ हाँ कल को कम से कम भाई वो आखिरत में अल्लाह के सामने मतलब भाई ये तो नहीं कह पाएगा कि अल्लाह इनको सब मालूम था और इसने हमको नहीं बताया, तो आप खाली बता दीजिए। अगर कहते हैं नहीं भाई ठीक है हमको मेरे भाई साबित कर दीजिए, ठीक है दलील उनको दे दीजिए, अब उसके बावजूद वो नहीं मानते हक का इनकार करते हैं तो आप उनको उनके हार पे अपना छोड़ दीजिए। लेकिन जो दोस्ती है दोस्ती अपनी मेरे भाई रखिए, साथ में बातचीत करना इज्जत से इखलास से घूमना फिरना। सही बात है, इसमें तो कभी हम लोग का ऐसा नहीं होता है, एकदम फ्रेंडली टाइप है जी, हम लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं होता जिसकी वजह से हम लोग का दोस्ती खराब हो जी। जी तो क्या उनका मसला क्या है?
नहीं, वो मना कहाँ है वो बोलते हैं, मना कहाँ है और लिखा हुआ वो बताओ। मना कहाँ है तो हम बता रहे हैं ना कहाँ है मना, बात कराइए उनसे। अभी लगा रहे थे उनको, एक आते हैं एक सेकंड लगाते हैं उनको है? हाँ आपका कॉल होल्ड पर ठेवण्यात आला आहे। आपका कॉल होल्ड पर रखा गया है। यो कॉल हैज बीन पुट ऑन होल्ड। प्रिय ग्राहक, आपके बेस्ट ऑफर और अकाउंट संबंधित सभी जानकारी पाने के लिए डायल करें टोल फ्री नंबर 4121#। आपका कॉल होल्ड पर ठेवण्यात आला आहे। आपका कॉल होल्ड पर रखा गया है। यो कॉल हैज बीन पुट ऑन होल्ड। प्रिय ग्राहक, आपके बेस्ट ऑफर और अकाउंट संबंधित सभी जानकारी पाने के लिए डायल करें टोल फ्री नंबर 4121#। आपका कॉल होल्ड पर ठेवण्यात आला आहे। आपका कॉल होल्ड पर रखा गया है। यो कॉल हैज बीन पुट ऑन होल्ड। प्रिय ग्राहक, आपके बेस्ट ऑफर और अकाउंट संबंधित सभी जानकारी पाने के लिए डायल करें टोल फ्री नंबर 4121#। आपका कॉल होल्ड पर ठेवण्यात आला आहे। आपका वो अभी फोन रिसीव नहीं कर रहा है, पता नहीं सही होगा। अच्छा अच्छा चलिए। और जो आपके जो वो थे जो आपसे कह रहे थे कि हम आपके मतलब वो बनना चाहते हैं पीर मुरीद, उनका क्या हुआ? हाँ हाँ हाँ, उनका उसके उसके बाद है ना मुझे एक वीडियो भेजे थे मुझे, एकदम बकवास किस्म का भेज दिया वीडियो, पता नहीं लगता हिंदू से। जो मैंने उनको फोन किया था वो जो वीडियो भेजा था आपने देखा? हाँ 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 देखा था मैंने, वो तो बहुत ही अच्छा था। और वो जो मुझे भेजे ना बाद में ये सब होने के बाद है ना मुझे एक वीडियो भेजे, वो कोई हिंदू का था, वो एकदम बकवास किस्म का बात कर रहा था। तो मैंने भी एक भेज दिया यहाँ से उनको, तो वो जो है ना वो शायद सुने होंगे तो इंशाल्लाह उनको समझ में आएगा। बहुत अच्छी चीज भेजा था मैंने उनको, वो सब कुछ बकवास वाला किया ही नहीं, मैं बोला छोड़ो उनका माल उनके साथ। लेकिन एक देखिए वीडियो वो आपको भेज रहे हैं, आप उनको वीडियो भेज रहे हैं, वो आपको मेरे भाई ये कर रहे हैं, वो आपको वो कर रहे हैं, ये सब छोड़िए, उनसे कहिए डायरेक्ट बात करें, डायरेक्ट उनसे कहिए कि भैया हम आपके बनने के लिए तैयार हैं, ठीक है मुरीद बन जाएंगे, पहले आप साबित तो कीजिए कि वाकई आप अल्लाह वाले हैं, वाकई जो आपका मेरे भाई अकायद है, जो आपकी नमाज है वो मेरे भाई एकदम मेरे भाई अल्लाह और अल्लाह के नबी के मेरे भाई जो हुक्म है उसके एतबार से, जिस इंसान की नमाज मेरे भाई नबी के मतलब भाई उलट हो ठीक है, तो उसको क्या अपना बनाएंगे पीर बाबा, उनसे कहिए भाई हमारे भाई हैं, उनसे बात आप कर लीजिए और मेरी बात आप करवा दीजिए। हाँ उनसे हम बात करते हैं, वो बहुत बड़े आलिम है भाई, वो जो है ना उनको करना बहुत जरूरी है, कन्विंस करना जरूरी है सबको, बहुत गुमराह। वो हमसे बता रहे थे कि मैं आलिम भी हूँ, फाजिल भी हूँ, मुफ्ती भी हूँ, कारी भी हूँ, हाफिज भी हूँ, फतवा भी देते हैं। हाँ तो भाई इतने सारे मेरे भाई वो हैं, उनके पास डिग्री है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक ही सवाल पे उनका जाग गया था जी। हाँ सही बात है, मैंने वो भी सुना था, वो आलिम फाजिल कारी फतवा भी लेके जाते हैं उनके पास से, बहुत दूर दूर से आते हैं, वो भी देने हैं वो। हाँ बता रहे थे मेरे पास दूर दूर से लोग आते हैं, पूरे शहर में मेरा फतवा चलता है। अच्छा भाई, अरे भाई ये सब आज के कौम के मेरे भाई उलमाए क्यों हैं? अब पूरे मेरे जितने रिश्तेदार वाले हैं ना उधर पे सब वो उनका जो है ना मामा लोग ये वो हो गए ना, इतना खर्चा करते हैं ना भाई मैं क्या बताऊँ, बहुत है वो उनको बुलाना है 5-10 हज़ार खर्चा है वो तो उनके पास। हाँ ये लोग दावतें लेते हैं ना भाई, पीर भाई पीर बाबा घर पे आएंगे तो 5-10 हज़ार रुपए का पकवान बनेगा और बेहतरीन खाना खाएंगे चोंगे होके, ये सब मौलवी मुल्ला ने अपने पापी पेट के लिए मेरे भाई दीन का मजाक बना दिया। सही बात है, उनको तालीम नहीं देंगे अच्छा, वो सिर्फ है ना वो पैसे ऐंठ के चले जाते हैं, पापी से चले जाते हैं। नहीं दीन के नाम से पैसे कमाना है, साफ साफ बताओ ना कि हम भाई दीन इसलिए फैला रहे ताकि पैसा मिले, तो मैदान में आओ पैसा लो क्या दिक्कत है, खुल के मांगो, भीख भी मांगना है तो मेरे भाई एकदम भाई ओपन मांगो सच बोल के, बिल्कुल सच्चाई बोल के भीख मांगो, ये नहीं है कि सामने से तो कह रहे हैं कि हम कुछ लेते नहीं है और पीठ पीछे से पूरा मेरे भैया माल अंदर बाहर हो रहा है। वो बहुत ये सब उनका तो फूकना ताबीज बनाना उनका तो इतना सिर्फ बिदत से भरा हुआ है, इमाम सर को पूछिए मत। अरे भाई एक भाई और थे लाइन पे, थोड़ा भूल गए थे। हेलो
सुन ना। अरे भाई माफी चाहते हैं यार, हम भूल गए आप फोन करके। सब खैरियत से है? हाँ सब बढ़िया, आप कर लीजिए, मैं चालू हूँ। अरे माशाल्लाह दोनों हमारे दीनी भाई लाइन पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अच्छा जी जी, एक दूसरे को तारुफ अपना मेरे भाई आप लोग करवा दीजिए, सलाम दुआ कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असगर अली शेख, मेरा इफ्तिखार नाम हुआ, इफ्तिखार हम सर। चलो और भाई कैसे हो? कहाँ से हैं असगर भाई? भाई गुजरात में, मैं सिलाई का काम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, थोड़ी जो बच्चे हुए हैं उनको थोड़ा जो अपनी बातें हैं बता देते हैं ताकि उनको। हाँ भाई जरूरी है, जितना जानकारी है इतना आपको बताएं, सही है ना? मैं तो क्या होता है, जान के रह जाओ तो फायदा क्या है। हाँ कम से कम जान के रह गए, हम लोग चुप बैठे रह गए तो मतलब हमारी इल्म कोई फायदे की नहीं है। फायदा को सिखाना चाहिए, बताना चाहिए लोगों को। अब अगला आदमी को फॉलो करना है नहीं करना है उसके ऊपर। अरे मतलब फॉलो तो छोड़ो, गाली गलौज से उतर जाते हैं ना। हाँ हाँ, अभी नहीं दलील दे पाएंगे ना तो उल्टी सीधी बातें करने लगेंगे इधर उधर के। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अब तक ऐसा बात नहीं करते हैं, दुआ सलाम एनी टाइम मतलब रखते हैं। गाली देंगे, गाली हम देंगे ही नहीं, चाहे और भी गाली देंगे, क्या फायदा है, अभी देने दो। हाँ हम तो इतनी वीडियो सुन चुके हैं आपको भाई कि किसी ने इनको गाली देते नहीं सुना, और हमेशा गाली खाते ही देखा। बिल्कुल बिल्कुल उतर जाएंगे ऐसे करने लगते हैं ना, वो समझेगा बुझेगा पढ़ेगा। और जो है ना ये सब जो है ना जो जाहिल किस्म के रहते हैं वो लड़ाई झगड़े से करना बुराइयां निकालने लगेंगे, अपनी निकालने लगेंगे बुराइयां निकाल सकते हैं। अब्बू भाई जी जी, वो जो लड़का ना आपसे कॉन्फ्रेंस कराया था, वो लड़का ना किसी को नंबर दे दिया मेरा, तो वो मेरे पास, हाँ मेरे पास फोन किया बाद में, बोल रहा है कि आप अब्बू भाई को कब से जानते हैं? बोला अभी मैं एक दो दिन से जानता हूँ, क्या है वो तो ऐसा यार क्या 24 घंटा अब्बू अब्बू अब्बू, इन लोगों के पास कोई काम धाम नहीं है क्या? हाँ तो डायरेक्ट मेरा नंबर दे दिया गुरु भाई, आप लोग तुरंत कहा करो ये उसका नंबर है भैया, आराम से उसको फोन करो, जो बात करनी करो, हम कोई ठेकेदार थोड़ी ना अब्बू के, फौरन हाँ एकदम इनकार कर दिया करो। साफ सफा दिया करो भैया, हम ठेकेदार नहीं है अब्बू खान के, ये उसका नंबर है, बात कर लो। क्या हुआ, वो बोलने लगा कि अब्बू भाई ने एक बार हम लोग से बात किया था तो उन्होंने कहा कि इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम जहन्नम में, तो बोला ऐसा तो बोल ही नहीं सकते, पहली बात तो ये। तो बोले कि मैं ऑडियो भेज दूंगा आप सुन लेना, तो बोला हाँ तुम पहले ऑडियो भेजो मेरे पास सुन लूंगा मैं। वो बोले होंगे कुछ, तुम लोग समझे होंगे कुछ। नहीं वो मेरे भाई यूट्यूब पे मतलब उसको हम डाल रखे हैं, ठीक है? क्या क्या अब्बू खान ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे को काफिर कहा, तो उसको मेरे भाई आप सुन लीजिएगा। एक मतलब कोई मतलब वो बरेलवी तोतला था, वो हमसे बोल रहा था कि आखिरत में तो हमको पीर बाबा आके हमारे मतलब बचा लेंगे, तो मैं तो मैंने उससे कहा था भाई जो अम्बिया अलैहिस्सलाम है वो तो अपने भाई जो मतलब जो फैमिली वाले हैं उनको तो मेरे भाई बचा नहीं पाएंगे, भाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो बाप हैं कहाँ जाएंगे, जहन्नम में जाएंगे, है ना? नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कहाँ जाएगा, जहन्नम में जाएगा। तो और इसके बाद हमने बोल दिया भाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बेटा कहाँ जाएगा, बस इतना मतलब मैं ये कहना चाह रहा था इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप, लेकिन जबान से मतलब भाई वो स्पीड में हमारे आ गया इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बेटा, तो वो 30 सेकंड की बीच में से मेरे भाई काट के उसको अपलोड कर दिया कि देखो अब्बू खान तो कह रहा है माज़ अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो बेटे हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम वो माज़ अल्लाह जहन्नम में जाएंगे, ये तो मैंने कहा ही नहीं ऑडियो में। उसी टाइम उससे बोला कि वो कुछ कह रहे होंगे, तुम लोग समझे हो कुछ, ऐसा हो ही नहीं सकता कोई कलमा पढ़ने वाला ऐसा कह दे। तो बोला कि नहीं ऑडियो भेज दूंगा, तो बोला अच्छा तू भेज दे मेरे पास ऑडियो। अरे उनसे कहा तो नहीं, उनसे कहा करो ना अगर मेरे भाई अब्बू खान ने भाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे इस्माइल अलैहिस्सलाम उनको काफिर कहा है, तो अब्बू खान तो अपना एड्रेस मेरे भाई हर ऑडियो में भाई वो ओपन बताता है, जाओ उसके वहाँ उसको गिरा के पटक के मारो ना भाई, नबी के बेटे को जो काफिर कह रहे उसको तो मारना चाहिए ना, आके मारे मुझे, दलील लेके आए भाई हमारे नाम कंप्लेन करें, केस करें, मुकदमा करें ना,
अगर वाकई मैंने वो कहा है और उसकी जो मेरे भाई जो क्या हकीकत है आवाम के सामने अगर हमने भाई पेश नहीं किए, हमने माफी नहीं मांगी तो आदमी कहे ना। तो देखे देख तो किशोर रहमान ने बोला था ईशा आए और गए तो बीच में से वीडियो काटा था, बस यही मामला है, बस यही मामला है। और ताकि तो किशोर रहमान ने कहा था ये चीज़ मतलब ईशा आए गए लेकिन फिर वापिस शिमला पलट गए। भाई एक बरेलवी भाई का फोन आ रहा है, आप लोग लाइन पर रहिएगा। हेलो बताइए। हेलो साजिद भाई, क्या हाल है? हाँ बस अलहमदुल्ला अल्लाह का करम है भाई। हमारे माशाल्लाह दो भाई लाइन पे हैं, तो आपको जो पूछना है पूछ लीजिए, हमारे मतलब जो भाई हमारे दीनी भाई हैं आपको इंशाल्लाह आंसर देंगे उसका। चलिए ठीक है। हेलो। हाँ तो सामान ये जो है ये इनका नाम है साजिद भाई, ये माशाल्लाह बरेलवी हैं और बहुत ही अच्छे अंदाज में बात करते हैं। चलिए भाई जो आपको पूछना है पूछ लीजिए। हाँ भाई तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो अबू जहल था वो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के नबी क्यों नहीं मानता था? जी भाई बताइए। मानता था या नहीं मानता था? बताऊं भाई मैं? हाँ बताइए बताइए, किसको बताओ बताइए। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरेलवी पूरा उनकी हदीस को नहीं मानते, आला हजरत की बात को मानते थे नहीं थे? क्या हुआ फिर? नहीं भाई जैसे आला हजरत की बात सब मान लेते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ठुकरा देते हैं, ऐसे अबू जहल भी करता था। हाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को ठुकरा देता था और जो उसके जो कबीले वाले बोलते थे वही मान लेता था। और ये कोई बात हुई कि अबू जहल क्यों नहीं मान ले क्या उसके नसीब में ही नहीं था? तो ये बताइए जैसे आप अबू जहल क्यों नहीं मानता था या नहीं मानता था, मैं ये पूछ रहा हूँ भाई। क्यों नहीं मानता था तो अबू जहल से ही पूछना पड़ेगा। नहीं नहीं इनका सवाल ये है कि जो अबू जहल था वो अल्लाह के नबी को नबी भाई वो क्यों नहीं मानता था? हाँ तो वही मैं इनको बोल रहा हूँ, अल्लाह के नबी इसलिए नहीं मानता था, वो घमंड में नहीं मानता होगा। मैं तो उस सामने उससे मौजा भी दिखाई नबी से, अभी इसका जवाब तो मैं नहीं दे पाऊंगा क्यों नहीं मानता था। चलिए भाई और जो दूसरे वाले भाई थे उनकी कोई राय? हाँ राय की बात नहीं है वो, मैं ये पूछता मान क्यों नहीं आ रहे, मानता था या नहीं मानता था ये पूछना भाई। मैं आपको बता देता हूँ कि अल्लाह सुबहान व तआला ने इंसान को दे दी है छूट, चाहे तो वो मेरे भाई सीधी बात को मान ले चाहे तो भाई वो टेढ़ी बात को मान ले, ये उसकी चॉइस है। तो मेरे भाई उसके पास चॉइस थी, अगर वो अल्लाह के नबी को नबी मान लेता तो आज भाई वो कामयाब हो जाता, लेकिन उसने अपनी अकल परस्ती की जैसे आज के हनफी लोग करते हैं, अकल की उसने बात को मानी और जो मेरे भाई जो नकल की बात थी उसने उसको नहीं माना, तो इसलिए भाई वो काफिर हो गया। वो अल्लाह के नबी को नबी नहीं मानता था, अल्लाह को अपना माबूद नहीं मानता था, इसलिए वो काफिर है। अब उसने ऐसा क्यों किया तो हमसे पूछ के नहीं किया, ये उसकी अपनी मेरे भाई चॉइस थी, मर्जी थी। ये तो कोई बात नहीं बेटी, मर्जी थी उसको, ये बताओ कि अरे तो क्या मेरे भाई का वो मेरे से पूछ के मेरे भाई मानेगा या आपसे पूछ के मानेगा? भाई उसकी मर्जी है, अल्लाह ताला ने इंसान को छूट दी है ना, वो जो चाहे वो करेगा, दुनिया में उसको छूट है लेकिन आखिरत में मेरे भाई उसको हिसाब देना पड़ेगा। नहीं आपको भी छूट है कि आप जो चाहो करोगे? हाँ बिल्कुल आपको भी छूट है भाई, आप चाहे तो मेरे भाई अल्लाह की बात मानो तो चाहे तो आला हजरत की बात मानो, अभी आपके पास छूट है? नहीं मेरे लिए तो नहीं छूट है। क्यों आपको मेरे भाई क्या नहीं आपको क्या मेरे भाई किसी ने मतलब वो क्या बांध के मारा है कि नहीं आपको मतलब इनकी इनकी मानना है? आपकी मर्जी है तो आप मान रहे हो ना आला हजरत की बात को, और हमारी मेरे भाई ये इच्छा मर्जी है कि हम अल्लाह और अल्लाह की नबी की बात मान रहे हैं, ये तो मर्जी है। तो मैं अल्लाह अल्लाह के रसूल के बात नहीं माना? कहाँ माने भाई आप, अल्लाह ताला ने कहा है कि अल्लाह के नबी इंसान थे, आप कहते हो कि वो नूर भी थे इंसान भी थे, पहले नूर थे बाद में इंसान हुए, असलियत में नूर थे बाद में इंसान आके बने, तो खुद ही मेरे भाई आप लोग क्या आप लोग ना अल्लाह की मानते हो ना अल्लाह के नबी की मानते हो, और सवाल लेके आते हो अबू जहल का। अबू जहल कौन है भाई, कोई हमारा इमाम थोड़ी ना है, मुहद्दिसीन थोड़ी ना है, उसको क्या लेने देना? आपका आप लोग तुम लोग उसका कहा मानते हो भाई, जो वो कहा वो करके गया तुम लोग उसी को करते हो, क्या अबू जहल ने करके गया है जैसे जैसे उसी को तुम लोग भी करते हो? क्या जैसे मतलब क्या अबू जहल ने किया? जैसे अबू जहल ने अल्लाह के नबी को इल्मे गैब नहीं माना, आप नहीं मान रहे हो तो इल्मे गैब को अल्लाह के नबी खुद नहीं मान रहे हैं, अल्लाह के नबी ने खुद कहा कि मैं गैब नहीं जानता हूँ,
अल्लाह के नबी की जो बीवी थी अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, आपने फरमाया कि जो शख्स ये बोलता है कि अल्लाह के नबी कल क्या होगा जानते थे वो झूठा है। ये मेरे भाई बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 4855। तो मेरे भाई ये कोई बात नहीं होती है। अब कल को मैं कह दूं नहीं, अबू जहल पानी पीता था, आप भी पानी पीते हो, अबू जहल रात को सोता था, आप भी रात को सोते हो, तो ये कोई बात नहीं। ये पानी पीने का जो मैं पूछ रहा हूँ वो बता दीजिए कि अल्लाह के नबी को अल्लाह के नबी माना कि नहीं माना। मैं अब ये बता भाई, नहीं माना, काफिर था, बता तू किसी बार बताऊँ। हाँ, वो कौन सी वजह पे नहीं माना? वो उसके आ गई थी अकल परस्ती। वो सोचता था कि हम अपने बाप दादाओं के दीन पे चलेंगे लेकिन आसमानी दीन पे नहीं चलेंगे। जैसे आज के हनफी लोग कहते हैं कि जो हमारे बाप दादा ने किया वो करेंगे, अल्लाह और अल्लाह के नबी के दीन पे नहीं चलते हैं। यही भाई आप लोग कह रहे हो, बात खत्म। आपने जो बता दिया वही हो गया, बात खत्म। अब मेरा सवाल पता अरे मेरे बड़े भाई, चलिए आप हमारे बाकी भाइयों से बात कर लीजिए। हमारे जो बाकी भाई लाइन पे वही आपके लिए खीरे भाई काफी हैं। विद्यार्थी तो आप लोग हो, बिदती भाई आप लोग हो, बिदती आप लोग, काफिर आप लोग हो, ये तो आप लोग हो। काफिर किसे कहा जाता है? चलो पहले ये बताओ, काफिर किसे बोला जाता है? चलो बताओ, काफिर उससे कहा जाता है जो अल्लाह अल्लाह के रसूल को इल्मे गैब न माने, अल्लाह के रसूल को न माने, अल्लाह के अल्लाह के जो भी क्वेश्चन भाई नामानी होता। जी जी भाई सुनिए, सब लोग देखिए इत्मीनान से बोलिए, सब लोग चुप हो जाइए, पहले सब लोग चुप हो जाइए, एक एक करके बोलिए, सब लोग एक एक करके बोलिए। जो हमारे साजिद भाई, जो हमारे साजिद भाई हैं बरेलवी भाई, उन्होंने मेरे भाई तारीफ बताइए काफी की। मेरा कहना यह है कि इल्मे गैब होती तो वही की जरूरत नहीं होती नबी को, किसी चीज वही की जरूरत नहीं होती ना। अगर इल्मे गैब होती तो वही की जरूरत नहीं होती, वही नाजिल होती थी उनके ऊपर, तो वही क्या है? वही नाजिल होती तो वही की जरूरत नहीं पड़ती ना उनको। तो आप किस चीज पे नहीं मान रहे हो? नहीं नहीं, पहली चीज तो ये मेरे भाई, जो आपने कहा जो हमारे बरेलवी भाई ने जो तारीफ बताई है काफिर की, कि काफिर उसको कहते हैं जो अल्लाह के नबी का इल्मे गैब ना माने, ये तारीफ कहाँ पड़े भैया? एक एक लोग सुन सुन बोलोगे। अच्छा, जैसे आप लोग ये कहते हो, आप लोग ये कहते हो कि अल्लाह के नबी को इल्मे गैब होता तो जो सहाबा को जहर दे दिया गया था तो जो गैब होता तो मान ली, अरे बता देते ना। हाँ हाँ, इल्मे गैब होते तो उनकी परेशान क्यों हुई उतनी, और इल्मे गैब होते हैं तो सहाबा 73 सहाबा क्यों शहीद हो गए? अगर इल्मे गैब होती तो जिब्रील को आना, उनको पैगाम देना, वही नाजिल इनके ऊपर होते थे तो ये क्यों हुए? हाँ, तो अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को तो भेजते थे कि ये इल्मे गैब होते थे तो फिर वही की जरूरत नहीं होती ना। नबी पढ़े लिखे थे, बताइए। बेशक अल्लाह के नबी ने पढ़े थे, अल्लाह ने पढ़ा है, बताया कि है अल्लाह ताला ने फरमाया है मैंने जो तुम्हें गैब इल्म नहीं वो भी मैं इल्म अता किया। अल्लाह से बात से पढ़ो तो फिर वो नबी ने पढ़े। तो आपने अच्छा ये आप ये बताइए कि अल्लाह के नबी पढ़े नहीं थे? कौन कह रहा है? कुरान कह रहा है कि भाई नबी आप अगर पढ़ना लिखना जानते तो ये काफिर तक में पड़ जाते। पढ़े नहीं तो सहाबा को नमाज कौन पढ़ा रहा था जाके हमारे मस्जिद में? हेलो, मैंने उनको बात बताया, बात की जरा आप जरा मैं काम ये बताइए, अल्लाह के नबी ने पढ़े नहीं थे, जाहिल थे? कुरान तो कह रहा है, कुरान तो कह रहा है नबी आप पढ़ना नहीं जानते। माज़ल्ला रब्बिल आलमीन। अच्छा ये बताया मस्जिद नबवी में जाकर अल्लाह के नबी ने भाई एक मिनट चुप हो जाइए। हाँ, बाकी भाई कौन कौन मेरे भाई है लाइन पे, कौन कौन जाना चाहता है? कौन कौन लाइन पे है, कौन कौन जाना चाहता है? हाँ हाँ हाँ, लाइन पे हूँ आपको भाई, मैं लाइन पे। अच्छा, नाम बताइए। हाँ, मैं लाइन पे हूँ असगर भाई। अच्छा देखिए असगर भाई, एक एक मिनट का उसूल बांध लीजिए ताकि जो मेरे भाई जो बरेलवी भाई हमारे बोल रहे हैं उनको भी बोलने का टाइम मिले और आप जो बोल रहे हैं आपको भी बोलने का टाइम मिले। इनका नाम है सादिक, सादिक टीटीएस बरेलवी। हेलो, टीटीएस जी। हेलो
बता सकते बजा के नंबर बता। हाँ भाई मैं कुरान के आयत बता देता हूँ, थोड़ा सुन ले। कुरान में सूरह आराफ में आयत नंबर 88 में जाके। एक मिनट भाई मैं भी एक लाइन पे ले लेता हूँ। जोर से बोलिए असगर भाई, जोर से बोलिए। आप क्या बात कर रहे हैं? एक मिनट मैं भी लाइन पे ले, एक मिनट मैं भी लाइन पे ले लूँ फिर बात करता हूँ। हेलो अजय, जैसा चिल्ला रहे हैं फंसे हुए, मैं भी क्या बोलता हूँ, एक हजरत को मैं भी लाइन पे ले लूँ फिर बात करता हूँ। जी जी जी, आप मेरे भाई जो सबसे बड़े आपके अलामा उनको लाइन पे लीजिए, उनसे हम बात करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा साकिब भाई लाइन पे ले रहे हैं। अरे अरे मेरा जवाब दे नहीं पा रहे हो, उनसे क्या बात करोगे भाई? आपके लिए हमारे दीनी भाई काफी है ना, अब आपका जो उस्ताद होगा हम उससे बात करेंगे ना। हाँ तो मैं बड़ी अच्छी बात है अपने बड़े अलमा को लेना, उनसे अच्छी बात है। लेने दो सादिक भाई को लाइन पे। हेलो हेलो, हाँ अजीत भाई बोल रहे हैं? हाँ किधर भाई बोल रहा हूँ। अजगर भाई क्या आपको भाई किधर है? हाँ आपको भाई आवाज दीजिए, आपको भाई बोलेंगे ना। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो सलाम जी, सब खैरियत से? अरे सब खैरियत से, फोन लगा रहे थे ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। हाँ सादिक भाई कहाँ है? उन्हीं से तो खोज रहा हूँ, नंबर लगा रहे थे ना किसी अलमा की। हाँ हाँ अभी भाई लाइन पे नहीं है, वो आवाज कुछ आ नहीं रही है, कॉल लगा रहे थे ना वो अभी। सादिक भाई हैं तो लाइन पे? लाइन से लग रहा हट गए हैं। नहीं नहीं लाइन पे हैं अभी। नहीं नहीं आवाज नहीं आ रही, बोल नहीं रहे। कॉल लगाते होंगे, अभी कॉल लगा रहे होंगे अलमा की। अच्छा अच्छा, और कौन कौन है इस वक्त मेरे भाई कॉन्फ्रेंस पे? हाँ मैं हूँ इश्तेखार भाई, मैं बोल रहा हूँ। असगर भाई, असगर भाई, इश्तेखार भाई, अप्पू भाई, हम तीन जन हैं। सादिक भाई भी लाइन पे हैं, जुड़े हुए हैं, हो सकता है कहीं चले गए हों फातिया अतिया देने मजार पे। बोल नहीं रहे सादिक भाई। अरे सादिक भाई हेलो, आप वो कहीं बात कर रहे हैं? वो कहीं बात कर रहे हैं? अच्छा चलिए आप बात कर लीजिए हमारे भाई से, हम चुप हैं। हाँ चलिए, लेकिन जो भी बात होगी एकदम प्यार से होगी, ठीक है, बिना बदतमीजी से होगी, एक भाईचारे के तहत होगी। हाँ उनको बोल, पूरा बात मेरा सुन लीजिए, उसके बाद से जवाब देना। ठीक ठीक, आप बोलिए असगर भाई, आप बोलिए जोर से। सूरह अनाम आयत नंबर 50 में जाके देख लीजिए भाई, उसमें अल्लाह ताला कहता है नबी आपको गैब नहीं मालूम है। दूसरी आयत सूरह आराफ आयत नंबर 88 में जाके देख लीजिए, उसमें भी कहता है नबी आपको गैब नहीं मालूम है। हाँ भाई भाई मैं दो आयत बता दिया, ये जाके देख लेना, ये दो काफी है मुसलमान के लिए। कौन सी आयत? सूरह आराफ आयत नंबर 88 में और सूरह अनाम आयत नंबर 50 में। हाँ अब भाई ये दो आयत काफी है कि नबी को गैर नहीं मालूम थी। अब आपको जैसा मानना है वो मानिए, लेकिन कुरान तो कह रहा है, अल्लाह ताला कह रहा है नबी आपको गैर नहीं मालूम है। अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है। बिल्कुल आप चेक कर लीजिए, फिर बाद में बताइए कि हाँ है कि नहीं है उसमें तो। हाँ और सूरह जिन जाके देख लीजिए भाई, इसमें अल्लाह ताला कहता है अपने नबी से कि है नबी आप किसी की मतलब मदद भी नहीं कर सकते हो, किसी से मदद नहीं ले सकते, मदद भी नहीं कर सकते हो, मदद भी नहीं कर सकते हो। हाँ ये भाई, हाँ सूरह जिन, जिन आयत नंबर 22 में जाके देख लीजिए। अच्छा अभी मैं देख रहा हूँ, देख लो। अरे देखिए सादिक भाई, मेरे प्यारे भाई, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आप असल में ये जो ये जाहिल लोग हैं उनकी मेरे भाई अंधी पैरवी छोड़ दीजिए, और मेरे भाई कुरान हदीस को मेरे भाई समझ के पढ़ने की एक बार कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला आपके मेरे भाई जो रास्ते हैं इंशाल्लाह आसान कर देगा,
और जब तक अपने जाहिल लोगों को मेरे भाई सुनते रहेंगे तब तक वो तो खाली एक ही चीज आपसे कहेंगे कि हाँ उनकी बात ना सुनो, वो तो गुमराह हैं, वो तो काफिर हैं, वो तो गुस्ताख हैं। तो जब तक अपनी उल्लू माँ की बात आप अंधेपन में मानते रहेंगे तब तक मेरे भाई किताबो सुन्नत पे आप आ ही नहीं सकते। हेलो, हाँ भाई, हाँ तो आप बताइए कौन कौन सा सूरत बताए थे भाई मुझे। हाँ भाई, सूरह अनाम आयत नंबर 50 आप पढ़ लीजिए। एक मिनट सूरह अनाम। हाँ हेलो बोलिए। हाँ भाई बोला ना मैं, आप सूरह अनाम आयत नंबर 50। सूरह अनाम, हाँ हाँ, उसका आयत नंबर कितना है? 50। 50, हाँ हाँ बोलिए, क्या आप फरमा रहे थे? मैं बता रहा था ना, इसमें अल्लाह ताला बोल रहा है ना अपने नबी से कि है नबी आप फरमा दीजिए कि मुझे गैब नहीं मालूम, ना मैं फरिश्ता हूँ ना अल्लाह के खजाने मेरे पास। हाँ तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो कुरान के तर्जुमे में वही मतलब हुआ, दूसरा थोड़ी कुछ मतलब हुआ। हाँ दूसरा मतलब ये नहीं हुआ, लेकिन मतलब इसका ये हुआ वहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया गया कि आप फरमा दीजिए कि मैं नहीं कहता कि मैं गैब को जानता हूँ और ना मैं ये कहता हूँ कि मैं परिस्थितियों में तो करता हूँ जिसकी तरफ वही की जाती है। ठीक हाँ जाती है, आप फरमा दीजिए कि बराबर हो सकता है अल्लाह और देखने वाला, क्या तुम गौर नहीं करते? क्या अंधा और देखने वाला सब बराबर हो सकता है? तुम गौर नहीं करते? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं ये नहीं कहता मैं अपनी जात की तरफ से मैं इनमें गैब जानता हूँ, जो अल्लाह ताला मेरे पे वही करता है उसके जरिए मैं जान लेता हूँ। समझिए भाई। हाँ हाँ, तो ये इल्म गैब हो गया मेरे भाई। फिर क्या हुआ ये बताइए। और दूसरी आयत बता रहा हूँ, वो भी पढ़ लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। सूरह आराफ आयत नंबर 88 में उसको पढ़ो, उसमें और क्लियर। हाँ आयत नंबर 88 उसमें और क्लियर है। एक मिनट बता दे रहा हूँ।88 पढ़िए उसको, 88 पूरा पढ़िए। 88 है, एक आदमी बता रहा है यार तुम। हाँ वो दूसरा डिफरेंस बता रहे हो भाई, मैं अपना डिफरेंस बता रहा हूँ। सूरह आराफ का सूरह नंबर 7 है। हाँ तो आज एक मिनट पहले क्लियर कर लीजिए, एक आदमी 7 बता रहा है, एक आदमी 8 बता रहा है, क्या बता रहे हैं यार? हाँ बोलो। हाँ 88 देखिए, 88। हाँ बोलिए। तो मिला कुछ भाई आपको? पढ़ो उसको। हाँ बताइए, हाँ बताइए, तुम बताइए क्या आप फरमा रहे थे, इसमें क्या बता रहे थे? मैं पढ़ो भाई, मैं कुरान लेके तो बैठा नहीं, मैं देख के ही पढ़ पाऊंगा, मैं कोई हाथ से छोड़ी हूँ कि उसको फटाफट पढ़ के बता दूंगा आपको। अरे तो आप अभी बताइए ना, फिर मैं बताऊंगा, पहले आप जो फरमाइए ना, जो बता चुके हो। हाँ भाई, सूरे अल आराफ सूरह नंबर 7 आयत 188 में अल्लाह सुबहान व तआला फरमाता है, अल्लाह सुबहान व तआला फरमाता है, कह दीजिए कि मैं अपने फायदे या नुकसान का कुछ भी इख्तियार नहीं रखता हूँ मगर जो कुछ अल्लाह चाहे। और अगर मैं गैब की बातें जानता होता तो बहुत से फायदे जमा कर लेता और मुझको कोई तकलीफ ना पहुंचती। सूरह अल आराफ सूरह नंबर 7 आयत 188 188। हाँ बताइए 7 में क्या आपने फरमाया? मेरे प्यारे भाई, सूरह अल आराफ उसका सूरा जो है वो भाई वो 7वें नंबर का है, जो आयत है वो है 188। अल्लाह ताला ने ये साफ साफ भाई इरशाद फरमा दिया कि आप कह दीजिए कि मैं अपने फायदे या नुकसान का कुछ भी इख्तियार को मैं नहीं रखता हूँ मगर जो अल्लाह चाहे, और अगर मैं गैब की बातें जानते होता तो बहुत से फायदे जमा कर लेता। यानी कि अल्लाह के नबी को
इल्मे गैब भाई वो नहीं है, ना ही जाती ना ही अताई। अच्छा तो आप ये इसमें बता दीजिए इसमें कहाँ लिखा है कि ना जाती है ना अताई है, ये बता दीजिए आप। तो इसमें ये कहाँ लिखा हुआ है कि अताई है, अताई का तो दावा आपका है ना। दीन इस्लाम में जाति अताई कुछ नहीं होता। ये बताइए कि जो रतवार को ताला फरमा। हेलो एक बताइए बताने में कितने लोग बोल रहे हो, तो इसमें भी वही नसीब हो रहा है जाति इल्म का नसीब हो रहा है कि मैं अपने अपनी जाति इल्म अगर जानता तो मैं जो अपना नुकसान और फायदा वो कर लेता। अल्लाह के अल्लाह के नबी को अताई इल्म गैब था? बिल्कुल था दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह अताई। अल्लाह ताला ने कितना इल्म अता किया था? अल्लाह ताला ने अपने नबी को कितना इल्म गैब अता किया था? और समझ लीजिए तो आप समझाइए ना, बता आप रहे हैं समझा आप रहे हैं तो आप बताएंगे ना। अरे महबूब जो तुम नहीं जानते थे तुमको सब बता दिया, यानी कि सब कुछ अल्लाह के नबी फरमाता है, मतलब सब कुछ अल्लाह के नबी जानते थे ना 100%। रब तबारक व तआला फरमाता है कि है महबूब जो कुछ तुम नहीं जानते थे सब तुमको बता दिया, आप बताइए रब तो फरमा रहा है कि जो कुछ तुम नहीं जानते थे, यानी कि अल्लाह के नबी को अताई इल्मे गैब है। अल्हम्दुलिल्लाह तो अल्लाह के नबी ने ये क्यों मेरे भाई इनकार कर दिया? ठीक है, अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने बयान किया कि अल्लाह के रसूल वो फरमाते हैं जो गैब है उसकी भाई जो चाबियां हैं वो पांच हैं, जिन्हें सिर्फ अल्लाह जानता है, अल्लाह के सिवा कोई उसको नहीं जानता। पहला क्या है कि माँ के पेट में क्या होगा, दूसरा है कि कल क्या होगा, तीसरा है बारिश कब आएगी, चौथा है कब इंसान को मौत आएगी, और पांचवा है कि भाई कयामत कब आएंगी। इन पांच चीजों का इल्म अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी को अता नहीं किया, अताई इल्म गैब का इनकार अल्लाह के नबी ने खुद कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हदीस आती है भाई सही बुखारी हदीस नंबर 1039 में और 4627 में, और यही हदीस आती है भाई तिर्मिजी में 3290। जंगे बदर में जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बैल खींचे थे और बताए थे कि फला यहाँ मरेगा फला वहाँ मारा जाएगा, तो वही हुआ ना जब अबू जहल को बच्चे लोग कत्ल किए थे। तो आप मेरे भाई कुरान पढ़े नहीं है ना, अल्लाह ताला ने जब कुरान में कह दिया कि मेरा नबी अपने दिल से कुछ नहीं कहता, वो वही कहता है जो उसके ऊपर वही की जाती है, वही तो हम लोग भी कहते हैं कि जो अल्लाह के नबी पे वही होती है वही के जरिए वो इल्मे गैब जानते हैं, वही तो हम लोग। तो वही भाई वही कोई इल्मे गैब थोड़ी ना, वही को किसने इल्मे गैब कहा भाई? अरे तो तुम लोग क्यों दूसरे को गुमराह? भाई 1440 साल में कौन से अहले सुन्नत के आलिम ने वही को इल्मे गैब कह दिया? इल्मे गैब की तारीफ भी आपको नहीं पता है? इल्मे गैब की तारीफ होती है ऐसा इल्म जो बिना हवा से खमसा के पता चल जाए। और अल्लाह सुबहानहु ताला ने सूरे हूद की आयत नंबर 49 में ये फरमा दिया कि जो ये गैब की कुछ बातें हैं जो हम तेरी तरफ वही कर रहे हैं, इससे पहले ना तू इन्हें जानता था ना ही तेरी कौम, यानी कि भाई जो ये गैब की जो मेरे भाई खबरें होती हैं उसको इल्मे गैब की पावर कहना ये मेरे भाई जिहालत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह साबित हो गया कि अल्लाह के नबी वो इल्मे गैब नहीं जानते थे। हाँ अजगर भाई, हाँ अबू भाई कुछ मानेंगे है ना अबू भाई? जी जी भाई ठीक है भाई रखते हैं। हाँ चलिए माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकअल्लाह खैर। और आपने जो कहा था ना ये सूरह आराफ की आयत 88 वो 88 नहीं है 188 है ठीक है? हाँ 188 में भूलिए नंबर ऐड कर लेना, कभी फोन करूंगा तो कम से कम पहचान तो जाओगे। अच्छा अच्छा ठीक है इंशाल्लाह नंबर ऐड कर लेंगे, और व्हाट्सएप पे आप अपना नाम हमको भेज दीजिएगा असगर, तो हम सेव कर लेते हैं आपका नाम। असगर अली अभी आप नाम भेज दीजिए ठीक है? हाँ ठीक है ओके अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।